नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ताजा होले विद रिया में। कल मैंने एचसी वर्मा की कहानी सुनाई थी और आप लोगों को काफी पसंद आई थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत लोगों ने पूछा कि वो दरभंगा में कहाँ से रहने वाले थे, तो एग्जैक्ट एड्रेस हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग है कि वो दरभंगा के रहने वाले हैं। अब एक और शख्सियत वहीं के रहने वाले जिनके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ, और उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है एज अ फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। उनका नाम क्या है आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों ने रॉकस्टार मूवी देखी है, क्योंकि रॉकस्टार मूवी काफी पॉपुलर रही थी और उसमें रणबीर कपूर को एक अलग नाम मिला, अलग फेम मिला था उस मूवी की वजह से। उसके अलावा अगर आपने जब भी मेट देखा है, जिसमें रियल टाइम कपल, उस टाइम जो कपल थे रियल कपल थे, शाहिद कपूर और करीना कपूर, उन लोगों ने उस मूवी में काम किया था, काफ़ी अच्छी रही थी वो मूवी, काफ़ी पॉपुलर, अभी तक पॉपुलर है। उसके अलावा लव आजकल, जिसमें सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण थे, वो मूवी अगर आपने देखी है, इन तीनों में से कोई भी मूवी आपने देखी है तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो। और मैं बता देती हूँ, वैसे थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, इम्तियाज अली की मैं बात कर रही हूँ। इम्तियाज अली बहुत ही बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि वो बिहार के रहने वाले हैं। ताज्जुब होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि वो दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपना काफ़ी समय पटना में भी बिताया है। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई पूरी की है, उसके बाद वो जमशेदपुर चले गए। तो आज हम उन्हीं की कहानी सुनेंगे कि उनकी क्या करियर में शुरुआत थी, कहाँ से उन्होंने करियर किया, क्या उनका लाइफ था। तो पहले उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल उनके पेरेंट्स जो हैं वो पटना में रहते थे, और ये अपने भाई के साथ जमशेदपुर चले गए। इनके भाई का नाम था आरिफ, और इनके साथ चले गए। उसके बाद अपनी आंट के घर में, जो कि करीमा मैंशन था, वहाँ ये रुके। बहुत ही ओल्ड और वेल नोन बिल्डिंग है जमशेदपुर में, करीम मैंशन, और वहाँ 3 सिनेमा थिएटर्स थे, उनमें से 2 घर में ही थे। और जब भी सोने भी जाते थे तो नहीं सो पाते थे, बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड में आवाज़ें, और जो थिएटर में मूवी शूट होती रहती थी या फिर कोई चलते रहता था, कोई थिएटर का शो चलते रहता था, तो ये नहीं सो पाते थे। तो उस वक्त के पढ़ाई में भी बहुत अच्छे नहीं थे और ये फेल कर गए थे। इनके पिताजी ने फिर भी इन्हें कुछ नहीं कहा, और यही इसी कारण वो आगे पढ़ते गए, और काफ़ी अच्छा इन्होंने पढ़ाई में भी अपनी उपलब्धि पाई। लेकिन इनके मन में वो थिएटर वाली माइंडसेट बैठ गई थी, और तभी से ये थिएटर करना शुरू कर चुके थे। तो ऐसे ही इन्होंने शुरुआत की थी। अगर इनके करियर की बात करें तो जी टीवी में कुरुक्षेत्र अगर सीरियल आपने देखा है, और दूरदर्शन पर आपने इम्तिहान देखा है, तो ये दोनों सीरियल इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। पहले मतलब इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत टीवी प्रोग्राम से की, जी टीवी, उसके बाद दूरदर्शन, उसके बाद ये बॉलीवुड फिल्म्स की तरफ रुख कर लिए। और वहाँ सोचा ना था पहला मूवी इन्होंने डायरेक्ट किया था, जिसमें आयशा टाकिया और अभय देओल थे, लेकिन ये मूवी बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, और इनको इस मूवी को बनाने में 3 साल लग गए थे। इसके अलावा उन्होंने फिर धमाकेदार मूवी के साथ शुरुआत की, इनकी दूसरी ही फिल्म जब भी मेट बहुत हिट हुई थी, जिसमें करीना कपूर और शाहिद कपूर थे, और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सक्सेस पाया था इस मूवी में। इनकी दूसरी मूवी थी लव आजकल, जिसमें सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण थे, और ये भी कॉमर्शियल बेसिस पे बहुत अच्छा कमाया था इस मूवी में इन्हें। उसके बाद जो तीसरी मूवी निकली वो थी रॉक स्टार, जिसने रणबीर कपूर को रियल में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे दी, और इन्होंने काफ़ी फेम पाया था इस मूवी की वजह से। तो रॉक स्टार को डायरेक्ट किया था इम्तियाज अली ने, और कहा जाता है कि इम्तियाज अली के मूवी में अगर तुमने काम कर लिया तो बस तुम्हारे लाइफ का आधा सपना तो पूरा हो गया, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। उसके बाद इन्होंने एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस फाउंड किया, जिसका नाम था विंडो सीट फिल्म्स, और इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर में रणदीप हुज्जा और आलिया भट्ट की फिल्म आई हाईवे, जिसने काफ़ी सराहना पाया, क्रिटिक्स के द्वारा इन्हें काफ़ी मतलब इनका पीठ थपथपाया गया इस मूवी के लिए क्रिटिक्स के द्वारा। अगर हम आगे इनकी और भी लाइफ की बात करें, तो इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स वगैरह जीते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि किस तरीके से इनकी लाइफ रही। अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो सेंट जेवियर्स हाई स्कूल पटना से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है, अर्ली एजुकेशन। उसके अलावा इन्होंने DBMS इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की है। अगर आपने आरिफ अली का नाम सुना है, वो इनके भाई हैं, जिन्होंने लेकर हम दीवाना दिल जैसी मूवी डायरेक्ट किया है, उनके भाई हैं ये, और काफ़ी पॉपुलैरिटी है इनकी। इनका जन्म 16 जून 1971 में हुआ था,
इनको आप इंडियन फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर कह सकते हो जो हिंदी फिल्मों में काम करता है और टेलीविजन शो से इन्होंने शुरुआत की, काफ़ी सक्सेस इन्हें मिल चुका है और अभी भी बहुत बड़ा चेहरा है एज अ डायरेक्टर, इन्हें काफ़ी लोग जानते हैं, सबके जुबान पे है इम्तियाज अली की मूवी, ये इम्तियाज अली की मूवी, अच्छा इम्तियाज अली की मूवी है तब तो हिट ही करेगी, तो ऐसी धारणा बन चुकी है। और बड़ी ही खुशी होती है कि बिहार का बेटा इतना आगे बढ़ चुका है, बस थोड़ी सी विडंबना ये है कि बिहार के लिए बहुत लोग बिहार से आगे बढ़ चुके हैं लेकिन बिहार के लिए बहुत लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए और बहुत लोग आगे नहीं भी बढ़ पाए, और बहुत सारे बिहार के ऐसे लोग हैं जिन्हें शुरू में ही खत्म कर दिया गया, दाब दिया गया और उनके टैलेंट हम बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं देख पाए। उनमें से एक एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत भी हैं जो जो सक्सेस की राह में थे लेकिन बीच राह में ही वो हमसे दूर हो गए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इम्तियाज़ अली की और भी मूवीज़ के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो, अगर आप दरभंगा के हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो, अगर आप पटना के हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भी कमेंट बिलो। धन्यवाद।